जो देख रहा है लड़की को उसकी नजरों में क्या है। हाँ। अब वो गंदा है तो वो किसी को भी गंदा देखेगा, उसे उम्र कैद या फांसी हो लेकिन उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा भारतीय कानून जो है ना, जो लचीलापन जो दिखाता है खास करके रेप केस में बच्चों के साथ में, नहीं ये लचीलापन नहीं होना चाहिए। उम्र कैद क्या देना है, सीधा ठोक दो ऐसे को तो ठोक देना चाहिए यार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है। मेरा नाम मिनहाज हुआ। नेहा। जितेंद्र शर्मा। निर्भया कांड के बारे में हर कोई जानता है, जो चार दोषी को 2 साल पहले सजा सुना दी गई थी लेकिन अभी तक उनको सजा मिली नहीं, फांसी की सजा, और आज नोटिस जारी किया गया है कि उन्हें 7 दिन का मोहलत मिला है प्रेसिडेंट से दया याचिका मांगने पे। क्या लगता है, क्या डिसीजन आना चाहिए, उन्हें उम्र कैद मिलना चाहिए या फांसी मिलनी? नहीं, उसे उम्र कैद या फांसी हो लेकिन उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे है ना समाज को एक सीख मिलेगी कि आगे चल के वो कुछ भी ऐसा करने से पहले सोचे सही और गलत। हाँ कि हाँ हम करेंगे तो इसका हमारे साथ क्या होगा आगे चल करके। उम्र कैद क्या देना है, सीधा ही ठोक दो ऐसे को तो ठोक देना चाहिए यार, ना बचेंगे ना रेप होंगे ना कुछ होगा, ऐसे सेफ होंगे हम, एक सीधा ही ठोक दो इनको और कुछ नहीं है। नहीं, आई एम नॉट एग्री विथ कोर्ट डिसीजन बिकॉज दैट 3 years या 7 years मैं बिलोंग करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसे बिल्कुल फांसी की सजा हो। कल वो हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा हमारा कांड होता है, हमारी बहन के साथ अगर ऐसा कांड होता है तो हमारा दिल कैसा होगा, रोवा रोवा हमारा कापेगा, लगेगा कि बिल्कुल उसके जाके मैं गर्दन दाब दूँ, और उसे नहीं तो फिर उसे सामने जनता के हवाले कर दे कोर्ट। अकॉर्डिंग टू मी तो उनको ये सुनवाई देने का ही मौका ही नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने किया है वो इतना ज़्यादा कल्प्रिट मतलब होने के बाद कैसे हम उसको अपने लिए भी क्षमा मांग सकते हैं, उनको तो डे वन से ही वहीं पे तभी फांसी दे देनी चाहिए थी। सबसे पहले तो हमारा भारतीय कानून जो है ना, जो लचीलापन जो दिखाता है खास करके रेप केस में बच्चों के साथ में, नहीं ये लचीलापन नहीं होना चाहिए, उनके साथ उस तरीके से बिल्कुल बिहेव ही नहीं होना चाहिए। आपने गलत किया तो उस गलत का गलत ही परिणाम होना चाहिए, चाहे वो सजा फांसी के रूप में हो या सजा उम्र कैद के रूप में हो, लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि उसे दोष देकर के 3 साल का सजा या 7 साल का सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए मैम, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। इससे जनता में अगर उनकी दया याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो गलत संदेश जाएगा। एक तो पहले इतना क्राइम बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं आजकल, नाबालिगों के साथ, तो अब तो हम ये सोच रहे हैं कि अब तक वो जिंदा क्यों हैं, उनको पहले ही दे देनी चाहिए थी अब तक। एक तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और अब भी उनकी दया याचिका स्वीकार की जाती है तो ये देश के साथ जनता के साथ धोखा होगा एक तरीके से देखा जाए तो। मैं इंडिया में डेली हम सुनते हैं रेप केसेस होते रहते हैं, क्या लगता है इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए, कुछ नया रूल लेकर आना चाहिए कि लोग डरे? कानून तो बनते रहते हैं लेकिन लोग तो डरते नहीं। क्या आप देख सकते, 7 साल हो चुके हैं निर्भया के, अभी तक उन्हें फांसी नहीं। कानून आप कितना ही सख्त बना लो, अगर सख्त बनाना है कानून 7 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करके तुरंत फांसी दे दो, बस ये कानून होना चाहिए। और लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम किस हद तक गिर चुके हैं, छोटी छोटी बहन बच्ची कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम कितना शर्माएगा आदमी, कितना नीचे गिर सकता है, कुछ तो देखना, कुछ खुद हमें अपनी सोच को डेवलप करना है। मैडम एक काम करने के लिए एबल है तो इट मीन्स वो नाबालिग नहीं है, तो उसको नाबालिग तब हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में बहुत इनोसेंट, कोई अगर कोई ऐसा क्राइम किया जो इनोसेंट है, बट ये तो इनोसेंट की बहुत मतलब लाइक बियॉन्ड ऑल द लिमिट्स है, तो इसके लिए उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। जो इंसान एट एनी एज कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है तो लाइफ मतलब आफ्टर अडल्ट वो क्या क्या कर सकता है, आई डोंट नो दैट थिंग। हम हमेशा बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा बहुत टॉप पे चली गई है, इक्वल है वुमेन और मेन जो है इक्वल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है और ऐसी घटनाएं होती हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो देख रहा है लड़की को उसकी नजरों में क्या है। हाँ। अब वो गंदा है तो वो किसी को भी गंदा देखेगा। कुछ पुरुष तो ये भी बोलते हैं लड़कियों के कपड़े में खोट होता है। नहीं, नहीं, नहीं। लड़कों के कपड़ों में खोट नहीं होता, लड़के कच्चे पहन के घूमते हो उनको, फिर उनका उनका भी उनको भी उठा लो, शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं उनको उठा लीजिए। ये सोचने का उनका तरीका है, कुछ कुछ लोगों का ऐसा सोचने का तरीका है जो गलत है, और वो सोच को वो बदले। अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन है कि ऐसा कोई भी करता है, बेशक वो 2 साल का हो, वो 10 साल का हो, या 60 साल का हो, उसको इमीडिएटली विद इन द मंथ उसको हैंग अप होना चाहिए। ऐसे मेंटालिटी के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, या लड़की हो या लड़का जिसकी मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी है कि नहीं वो लड़का है वो लड़की, भेदभाव वाली, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूंगा मैडम सभी को,
सभी की, कोई भी किसी की बहन बेटी है, सबकी इज्जत करना एक सबसे पहले पुरुष का धर्म है मैडम। ये कि मतलब जहाँ पे जो आप लेडीज हैं उनको देखने का, उनको सोचने का तरीका अपना बदले कि हाँ जो अपने घर में जैसे है हमारी माँ और बहन, वैसे सामने वाले को देखें, तो फिर इस तरह से कोई भी नहीं होगी प्रॉब्लम।